भाई लोग गुज्जू हिस्टोरिकल मैन चैनल पर क्राइम स्टोरी दिखाने का मतलब किसी अपराधी अपराधियों को बढ़ावा देना ना है। अपुन का एक किच फंडा है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अपुन को 420 के वोल्ट का सपोर्ट देने के लिए अपने सभी भाई लोग का दिल से शुक्रिया। साल था 2019 का, महीना था जुलाई का। रोपड़ पुलिस के सर्विलांस में एक बोन की घंटी बजली, मानो हड़कंप मच गया था। अब उस बोन में मिली जानकारी में ऐसा तो कुछ था कि पुलिस वाले हक्के बक्के हो गए थे। मुखबिरी भी एकदम ही डाजू थी, 19 साल का एक लौंडा। नूरपुर बेदी के गांव बोले तो ढाहा में किसी को ठोकने आने वाला था। मुखबिरी के मुताबिक ढाहा गांव में पिंदरी के घर हथियार लेने आने वाला था। रोपड़ पुलिस की अग्नि टीम गांव के चारों ओर अलर्ट मोड पे चिपक गए। जैसे ही 19 साल का वह छोकरा आयला की पुलिस वालों ने धावा बोल दिया। लौंडा भी एकदम ही जोली टाइप का था। पुलिस वालों को चूना लगा के खेत की ओर भागने लगा, मगर 2.5 किलोमीटर तक जाने के बाद पुलिस ने उठा लिया। अब शुरू होएगा 3rd डिग्री का दौर, और जो जानकारी निकल कर आई यहाँ सुनकर पुलिस वाले का दिमाग हैंग हो गया। जो पुलिस वाले 19 साल के लौंडे को छोटा मोटा छपरी समझ रहे थे, वह तो निकला एरिया का सबसे बड़ा दादा। वह जुर्म की दुनिया की कोई मछली ना थी, सबसे बड़ा मगरमच्छ था। थाने में जब उसकी पहचान हुई तो DGP लेवल के पुलिस वालों को फोन किया गया। बड़े बड़े अफसरों की घंटियां बजने लगी। जब DGP ने उस लौंडे का नाम सुना कि गलती मार सीधा थाने आ गए। पहलो की ये 19 साल का लौंडा कोई छोटा मोटा गुंडा न था, वह था अक्षय पहलवान। अब ये नाम सामने आयला कि देश के 4 राज्यों के कंट्रोल रूम की घंटियां बजने लगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान की पुलिस टीमें निकल पड़ी रोपड़ की ओर। वह था एक सुपारी किलर। मामू शिकार के बोड़ी में 40 से 45 गोलियां ना ठोकता तब तक उसको मजा इतना आता। पैसों के लिए उसने करीब 17 लोगों को टपका दिया था, जिसमें कई बड़े बड़े दादा लोग भी शामिल थे। वहीं 19 डकैतियां, बोले तो कम उम्र में सबसे बड़ा खलनायक बन गया था। ताजुब की बात तो यह है कि छोकरे की कोई गैंग ना थी, अकेला ही कांड करने निकलता। अक्षय ने जिसकी सुपारी ली फिर उसको भगवान भी ना बचा सकता, मगर छोकरा क्राइम की दुनिया में जरूर था, फिर भी नशा नहीं करता क्योंकि लौंडा था एक पहलवान। बॉडी को फिट रखना इसका शौक था। अक्षय बोले तो सोनीपत के पलड़ा का रहने वाला था। लौंडे ने बचपन से ही पहलवानी में डंका बजाने का मन बना लिया, मगर किस्मत ने ऐसी कल्टी मारी कि चारों राज्यों की पुलिस मामू के पीछे लग गए। दरअसल हुआ यूं कि सोनीपत में अक्षय के चाचा को किसी ने थप्पड़ जार दिया। इसी थप्पड़ ने छोकरे के जमीर को हिला डाला। चाचा को जिस बंदे ने थप्पड़ जारा था, अक्षय ने उसका हुलिया ही फोड़ डाला। बस इधर से ही उसने क्राइम की दुनिया में ऐसी कल्टी मारी कि आज बन गया 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा कम उम्र का गैंगस्टर। साल था 2015 का। सोनीपत के कुंडली गांव में बाप बेटे को काट डाला। इस काट ने अगले एरिया में डर का माहौल बना डाला, मगर छोकरा एकदम ही सियाणा था, पुलिस की रडार में ना आता। जनवरी 2018 का महीना था। राजस्थान के चूरू कोर्ट में कई वकील और पुलिस वालों के सामने जज अपना कार्रवाई कर रहे थे। कार्रवाई हो रही थी 2 गैंगस्टरों के ऊपर, मगर जज को भी ना पता था कि अगले पल क्या होएगा। 16-17 साल का एक छोकरा आया था, हाथ में गन थी। इस छोकरे को देख जज के मुंह से बे निकला कि कस्टडी में खड़े दोनों गैंगस्टर की खोपड़ियां में ढाई ढाई करती 2 गोलियां घुस गए। यह कांड भी अक्षय का ही था। जज के सामने 2 लोगों को ठोक डाला। अब छोकरा के कांड देख दुश्मन लोग भी बढ़ रहे थे। जून 2018 में अक्षय पहलवान ने हनुमानगढ़ में एंटी गैंग के छोकरे जॉर्डन को 17-18 गोलियां ठोक टपका दिए। इसी कांड में मामू पुलिस के हत्थे चढ़ गए, मगर नाबालिग था तो बाल सुधार केंद्र भेज दिया गया। 18 महीने बाद बाहर भी आ गया। छोकरा जब जेल में था तब उसकी सेटिंग हुई मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बोले तो राजू बसोदी से। बाहर आते ही उसने बसोदी के साथ मिलकर 3 लोगों को ठोक दिया। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के छोकरे लोग के साथ उसका सेटिंग हुआ। लॉरेंस गैंग के साथ मिलकर 4 मर्डर और 6 हाईवे डकैती को अंजाम दिया। मगर मामू 19 साल का होते होते 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का वारिस हो गया। सोनीपत UP बॉर्डर के 90 गांवों के लोगों का मुख्य धंधा है पशु की लेन देन। इन गांवों के लोग UP में पशु की सप्लाई किया करते हैं। अक्सर इन 90 गांवों में प्रति पशु 500 रुपया गुंडा टैक्स वसूलता है। वहीं उसने हरियाणा के एक पूर्व MLA के भाईजान के ऊपर फायरिंग भी कर दी है। कहा जाता है कि 19 साल का होते होते उसने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को लुढ़का दिया।
जब बड़े बड़े गैंगस्टर लोग को किसी तगड़े हाथी का शिकार करना होता है तब अक्सर पहलवान को याद किया जाता है, क्योंकि छोकरे की एक भी कमजोरी ना है, ना फोन रखता है, ना किसी गैंग से ज्यादा ताल्लुकात रखता है, ना किसी लोंडियाबाजी में इसे इंटरेस्ट है। बंदे का उसूल एकदम ही क्लियर था, पैसा लेके किसी को भी ठोकना ठोक के कल्टी मार लेने का। यही वजह है कि एक नहीं दो नहीं चार चार राज्यों की पुलिस मामू की तलाश में लगी थी, मगर हत्थे ना चढ़ता। इसके मध्य आज भी 17 मर्डर 15 हाफ मर्डर 20 से ज्यादा डकैती समेत दूसरे कई अनगिनत केस चल रहे हैं। वहीं करीब करीब 5 लाख का इनाम इसके मत्ते भी ठोका गया है। मामू आज जेल में हवा खा रहे। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।